दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आज 12 जून है और पिछले साल आज ही के दिन मैं दिल्ली आया था। आज पूरे एक साल हो चुके हैं। यहां आके सबसे पहले हम लोग नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन की ओर गए, कुतुब मीनार का टिकट लिए और चल दिए येलो लाइन की ओर। थोड़ी ही देर बाद पहुंच गए हम लोग कुतुब मीनार। यहां आके सबसे पहले हम लोगों ने टिकट लिया, जिसका रेट 40 रुपये पर पर्सन है। उसके बाद चल दिए हम लोग कुतुब मीनार प्रवेश द्वार की ओर। कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसे भारत में शुरुआती इस्लामी राजवंशों में से एक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाना शुरू किया था और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 में पूरा किया। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर की है और इसमें 5 मंजिलें हैं। इस मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है। आज धूप बहुत ज़्यादा थी, जिससे हम लोग का हाल बेहाल हो चुका था। गर्मी से एकदम भीग गए थे और हालत ख़राब हो गई थी। मीनार की 5 मंजिलें हैं, जिसमें से प्रत्येक मंजिल में एक बालकनी है। मीनार के भीतर 379 सीढ़ियां हैं जो शीर्ष तक जाती हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कई चरणों में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और पहली मंजिल का निर्माण कराया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और जोड़ी। अंतिम और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में करवाया। कुतुब मीनार ने अपने इतिहास में कई बार भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। 1368 ईस्वी में एक भूकंप के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई और 19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारी मेजर स्मिथ ने भी मीनार की पुनः स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान बनवाया गया 7 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ अपने अद्वितीय धातुकर्म के लिए प्रसिद्ध है, जो कभी जंग नहीं खाया। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की दीवारों और स्तंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रों को देखा जा सकता है। कई स्तंभों पर गणेश, अप्सराएं, यक्ष और अन्य धार्मिक और पौराणिक छवियां भी दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद को बनाने के लिए हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों का उपयोग किया गया है। कुतुब मीनार और इसके आसपास के क्षेत्र में मूर्तियां और शिलालेख विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के संगम को दर्शाते हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रमाण है। तो दोस्तों, घूम लिया गया हम लोग कुतुब मीनार और यहाँ के बारे में
थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी दे दी। अब चलते हैं वापस मेट्रो स्टेशन की ओर और फिर मेट्रो ट्रेन से जाएंगे हम लोग लाल किला। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। लाल किला मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है और इसे 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री यहां से देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किला भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। लाल किला देखने के बाद वापस से हम लोग आ गए लाल किला मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से मेट्रो द्वारा आ गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहां से रात 11:30 बजे के समय पर नई दिल्ली से लखनऊ AC एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिससे वापस हम लोग आ गए लखनऊ।